सोचा नहीं था भाई फर्स्ट सर्विसिंग में इतना ज़्यादा पीडीआई के टाइम मैंने अच्छे से देखा नहीं रहा। ये थोड़ा मतलब ये टाइट सा था, अपर डिपर में इशू था, लीकेज वगैरह था कुछ छोटा सा, उस नट था ना वो टूट ही गया था। ओहो 100 कोर्स कर लेते भाई एक बार, करते हैं भाई। अरे कर लिया, छू के वापस टक से वापस आ जाऊंगा भाई। ए देखो भाई 100 भाई। फर्स्ट सर्विसिंग का अपना जो बिल आया है वो आया 11। हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो भाई आज हम जाने वाले हैं अपने मीटियोर का फर्स्ट सर्विसिंग करवाने के लिए, और मीटर पे भाई आप लोग चेक कर सकते हो, अभी टाइम हो रहा है 10:36 और यहाँ पे देख सकते हो भाई एक रेंज का मीटर आ चुका है, मतलब सर्विसिंग का टाइम हो चुका है। और किलोमीटर भाई आप चेक कर सकते हो 497, मतलब 500 पे फर्स्ट सर्विसिंग करवाना होता है, तो 497 तो हो ही चुका है। सर्विस सेंटर पहुँचते भाई 500 किलोमीटर हो जाएगा। और भाई जो अपॉइंटमेंट लेना होता है वो भी मैंने बुक कर लिया, 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, अभी बज रहे हैं 10:30, तो आराम से हम लोग सर्विस सेंटर पहुंच जाएंगे अपने मीटियोर में। ज़्यादा दिक्कत वगैरह अभी तक मेरे को दिखाई नहीं पड़ा, जो भी छोटा मोटा दिक्कत है वो मैं बोलूँगा सर्विस सेंटर पर जाके, और कैसा सर्विस रहता है मैं आप लोगों को आफ्टर सर्विस बताऊँगा। एक बात की भाई गारंटी है, वो लोग ना भाई अंदर जाके शूट करने के लिए नहीं देंगे, फिर भी मैं ट्राई करूँगा, अगर हो पाता है मैं शूट करने का कोशिश करूँगा। बाकी तो आफ्टर सर्विसिंग में आप लोगों को अच्छे से बता पाऊँगा उन लोगों का बिहेवियर वगैरह कैसा रहता है और काम कैसा करता है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, काम कैसा करता है और कितना पैसा जाता है भाई फास्ट सर्विसिंग में। यहाँ पे देख सकते हो अभी मैं फिलहाल 4 नंबर गियर पे चल रहा हूँ, मतलब अभी तक मैंने 5 नंबर गियर पे चलाया ही नहीं है अपने मीटियोर को। आज सर्विसिंग होने के बाद मैं फाइनली 5 नंबर गियर पे चला के देखूंगा कैसा फील होता है और कैसा स्पीड पकड़ता है अपना मीटियोर। अभी तक तो मैंने 60 और 70 के ऊपर भाई चलाया ही नहीं है, और ये चीज़ ना मुझे भी नहीं पता था। अगर कोई नया रॉयल इनफील्ड खरीदता है भाई साहब, तो याद रखना सर्विसिंग से पहले ना एक रेंज का सिंबल आ जाता है, मतलब वो आपको रिमाइंडर करवा देता है कि आपके बाइक का सर्विसिंग भाई करवाओ फटाफट से। भाई यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि रेड लाइट है, लेकिन मैं जा भी सकता था भाई साहब क्योंकि मेरा नंबर प्लेट ही नहीं है, चालान किधर से काटेगा मेरा, लेकिन रूल इज़ रूल माय फ्रेंड, तो रुकना चाहिए भाई। चलो अभी चलते हैं, बाकी 500 किलोमीटर तक मैंने भाई इतना ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया अपने मीटियोर पे। ओए चलो भाई 500 किलोमीटर पूरा हो चुका है, मतलब अभी सर्विसिंग करवा सकते हैं। 45 डेज तक मतलब टाइम रहता है, या फिर 500 किलोमीटर अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो आप सर्विसिंग करवा सकते हो फर्स्ट। तो 500 किलोमीटर मेरा कंप्लीट हो चुका है, 45 डेज तो भाई एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 45 डेज तो दूर की बात है। तो फाइनली मैं फर्स्ट सर्विसिंग करवा सकता हूँ, उसके बाद ही भाई थोड़ा इंजन वगैरह खोलेंगे, मतलब स्पीड वगैरह देंगे तो कैसा रहता है तभी पता चलेगा भाई। अभी तो बहुत संभाल के चलना पड़ता है ना, लेकिन फर्स्ट सर्विसिंग के बाद थोड़ा खुल सकते हैं भाई अपन। तो यहाँ से ना भाई सर्विस सेंटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, नहीं तो भाई लॉन्ग रूट अगर मैं ले लेता ना तो बहुत दूर जाने के बाद घूमना पड़ता, डिवाइडर वगैरह बीच में नहीं है, तो यहाँ से सामने की तरफ ही पड़ेगा हमारा सर्विस सेंटर। तो फटाफट से चल लेंगे, अभी बज रहे हैं 10:44। ये वाला जो सिस्टम है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बार बार टाइम भाई घड़ी पहनता नहीं हूँ और मोबाइल निकाल के भाई दिक्कत हो जाता है, यहाँ पे टाइम शो करता है ना भाई, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। 15 मिनट है अपने पास, आराम से 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो भाई साहब फाइनली आ चुके हैं शोरूम पे, शोरूम के पीछे है भाई सर्विस सेंटर, तो लेट्स सी किधर रुकाना पड़ेगा, आई डोंट नो, वी देखना पड़ेगा। सर्विस एक काम कर लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई, यहाँ भी पूछेंगे,
यहाँ पे एक 8 नंबर का कागज दिया है, इसको लेके अभी गाड़ी पार्क किधर करे। अच्छा आगे 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 इधर अंदर भाई साहब, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। भाई ये 8 नंबर वाला कागज दिया है, ये तो गिर गया था। भाई यहाँ पे अपना सर्विसिंग का काम चालू हो चुका है और भाई अंदर शूट का परमिशन नहीं था तो शूट नहीं कर पाया, लेकिन एक छोटा सा क्लिप मैंने उठा लिया। भाई 10:30 बजे घर से निकले थे और अभी देखो 3:14 हो रहा है, मतलब समझ सकते हो कितना ज़्यादा टाइम लगा। बाकी सर्विसिंग, फर्स्ट सर्विसिंग हो चुका है। बिल एक बार मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। फर्स्ट सर्विसिंग का अपना जो बिल आया है वो आया है 1191, मतलब 1191 रुपीज़। तो इसको डालते हैं अपन बैग में, बैग भी गंदा हो चुका है। तो भाई फर्स्ट सर्विसिंग हो चुका है और सर्विस में जितना टाइम नहीं लगा ना भाई, वॉशिंग में उतना ज़्यादा टाइम लग गया। मालूम नहीं क्या क्या वॉशिंग कर रहे हैं भाई, देखो वॉशिंग किए कितना गंदा लगा हुआ है। 3-3 लड़का लोग हैं लेकिन वॉशिंग अच्छे से नहीं किए। थोड़ा इस तरफ से मैं जाने वाला था लेकिन इस तरफ से जाके थोड़ा स्पीड वगैरह चेक कर लूँ भाई, पहले तो 5 नंबर गियर पे उठा लेता हूँ। ओ ओ हो भाई साहब, 5 नंबर गियर मक्खन भाई। ओहो हो आराम से भाई, मत दौड़ना, धीरे मत दौड़ना भाई रास्ते के बीच में। बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है, 5 नंबर गियर पे चला रहा हूँ फुल पावर भाई। 100 क्रॉस कर लेते भाई एक बार, करते हैं करते हैं भाई करते हैं। अरे कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, छू के वापस ट्रक से वापस आ जाऊँगा भाई। ए देखो भाई 100 भाई, फर्स्ट सर्विसिंग से, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट सर्विसिंग करवाने के बाद ही आकाश भाई 100 पहुँच गए। बढ़िया तो लग रहा है भाई, फिर से हमको यू टर्न लेना पड़ेगा। तो आराम से आप लोगों को बताते हैं मैंने क्या क्या चेंजेस वगैरह, चेंजेस मतलब क्या क्या हुआ है फर्स्ट सर्विसिंग में। स्टार्ट करते हैं, ये जो मेरा क्लच था ये थोड़ा मतलब ये टाइट सा था, मतलब PDI के टाइम मैंने अच्छे से देखा नहीं, रात का टाइम था ना देखा नहीं, तो ये टाइट सा था, ये थोड़ा अभी सही हुआ है ठीक है। बाकी हेडलाइट जो है ना अपर डीपर में इशू था, मतलब अपर जो है बहुत ही ज़्यादा अपर है और डीपर जो है ना वो अपर का काम कर रहा था, तो उसको मैंने सही करवाया, मतलब अभी रात को पता चलेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा भाई सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जहाँ तक हो मैंने ये सही करवाया और नीचे के साइड एक लीकेज वगैरह था कुछ छोटा सा, उसको मैंने सही करवाया है, मतलब अभी शायद से वो कुछ इशू वगैरह नहीं था लेकिन थोड़ा लीक टाइप का कुछ था। तो भैया ने बोला अगर प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करना या फिर नेक्स्ट सर्विसिंग में दिखा देना। एक चीज़ भाई मुझे आज पता चला रॉयल इनफील्ड का, भाई जो मैंने मोबिल चेंज किया ना, मोबिल तो अल्टीमेटली चेंज होता है फर्स्ट सर्विसिंग में, तो मोबिल जो मैंने चेंज किया ना भाई वो 10,000 किलोमीटर तक चलेगा, समझ रहे हो भाई। मैंने पूछा कि कितना किलोमीटर तक चलेगा क्योंकि सेकेंड सर्विसिंग 5,000 किलोमीटर पे है, तो मैंने पूछ लिया कि कितना किलोमीटर पे चलेगा या फिर बीच में मैं चेंज वगैरह करवाऊँ, तो बोला भाई 10,000 किलोमीटर तक चलेगा। तो भाई मैं वेरी शॉक्ड, 10,000 किलोमीटर, तो 5,000 पे ही भाई सेकेंड सर्विसिंग होता है तो उसमें ही चेंज करवा लेंगे भाई। चलो यहाँ से अपन यू टर्न ले लेंगे आराम से, धीरे से थोड़ा रुक के। यहाँ पे जो मैंने स्क्रैच डाला था ना भाई, मुझे लगता है ये थोड़ा सा भर गया है वॉशिंग के बाद, आई डोंट नो, बट अभी दूर से नज़र आ रहा है मेरे को, तो भाई पक्का पक्का नज़र आ रहा है, लोगों को शायद नहीं आए क्योंकि बाइक तो अपना है ना, तो नज़र अपने को ही आएगा ज़्यादा। ओ भाई थोड़ा रुक लियो आराम आराम से। ओहो सर्विस के भाई, सर्विस करवाने के बाद चलाने का मतलब एकदम मक्खन के माफिक चल रहा है भाई अपना मीटियोर। और हाँ और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है भाई, जो इंजन का प्लेट है ना, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा, जहाँ पर कीचड़ लगा हुआ था, तो इंजन का जो प्लेट है वो हो पाए तो शोरूम से लगवा लेना, अगर ना हो पाए तो बाहर से अगर आप लगवाते हो तो थोड़ा हार्ड वाला लगवाना, क्योंकि मोबिल जब आप चेंज करने के लिए जाओगे ना तो उसको बार बार खोलना पड़ेगा मोबिल चेंज करने के टाइम। और इस बार क्या हुआ, मेरा जो नट था ना वो टूट ही गया था, उसके बाद खोल के भैया ने बहुत ही कष्ट से खोल के सही किया है,
तो जो भी हो वो देख लेना, मैं तो भाई इसको कल या परसों चेंज करवा के हैवी वाला लगवा लूँगा, और हैवी वाला अगर ना मिले तो शोरूम से लगवा लूँगा, तो वो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, बाकी बाहर से लगवा लो। लेकिन जब मैंने लगवाया था ना तब भी मैंने बोला था वो जो थोड़ा साउंड भी कर रहा था, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, पक्की बात है ये। बाकी फर्स्ट सर्विसिंग में जितना भी कॉस्ट आया तो सोचा नहीं था भाई फर्स्ट सर्विसिंग में इतना कम कॉस्ट आएगा रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे। भाई साहब 1100 रुपये आया रॉयल इनफील्ड 350 सीसी के हिसाब से, भाई मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है। बाकी अपन अभी फुल पावर भगा सकते हैं अपने मीटियोर को। हो वॉशिंग में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ना, इसका बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बाकी तो सर्विस वगैरह बहुत ही जल्दी, मतलब 1:30 बजे बोला था, करीबन 1:20 को हो चुका था। 1:20 से आप पकड़ लो, मैं 3:30 को निकला हूँ, करीबन 3:21 हो रहे हैं अभी, तो कितना ज़्यादा टाइम लग गया वॉशिंग करवाने पे। एक टाइम को मैंने सोचा बाहर से करवा लूँ, लेकिन अंदर घुसा दिया था। और हाँ, शूट वगैरह अंदर मैंने नहीं किया, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा इशू वगैरह था, तो शूट नहीं किया। छोटा मोटा 2-3 क्लिप शायद से मैंने उठाया है, तो वो देख लेना आप लोग ब्लॉग में। बाकी जितना भी चेंज वगैरह किया आप लोगों, तो मैंने बोल ही दिया। यहाँ पे मेरे माइक ने थोड़ा सा धोखा दे दिया और मेरा जो वॉइस था भाई वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, तो अभी फिलहाल मैं दे रहा हूँ अपना वॉइस ओवर। इस बार थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अगली बार से थोड़ा मैं ध्यान रख लूंगा। वहाँ पर चेन का लुब्रिकेशन वगैरह हो चुका था, तो ये चीज़ भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भाई मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया फर्स्ट सर्विसिंग में क्या क्या काम हुआ, तो और वॉइस ओवर देना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भी हो, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल में, फटाफट से जाके। सही है, हरे कृष्ण।